नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अकाली दल की नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत बादल ने शुक्रवार को शहर में दो जनसभाएं और रोड शो किया। महाराजा पैलेस में जनसभा में जब हरसिमरत बादल ने युवाओं से मुखातिब होकर पूछा कि कैप्टन सरकार में नौकरी मिली या नहीं मिली, तो भीड़ में से कुछ युवा बोल पड़े, मंत्री व विधायकों के बेटों को मिली, हमें नहीं। हरसिमरत बादल ने महाराजा पैलेस जनसभा को संबोधित करने के बाद वहां से जवाहर नगर तक रोड शो किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री निर्धारित समय से करीब 3 घंटे देरी से दोपहर 2 बजे मोगा पहुंची। सबसे पहले बाघा पुराना रोड स्थित महाराजा पैलेस में सभा को संबोधित किया गया। अकाली दल के SOI विंग के कार्यकर्ता संघ गाँव सिगवाला में मोटरसाइकिल के काफिले के साथ हरसिमरत कौर को लेकर पैलेस पहुंचे। उन्होंने बुजुर्गों से पूछा कि जो पेंशन उन्हें बादल सरकार में मिल रही थी अब मिल रही है क्या, तो जवाब में ना आया। आटा दाल स्कीम का लाभ भी कैप्टन सरकार ने बंद कर दिया। इसके बाद वे रोड शो करते हुए चौक सेखा मेन बाजार प्रताप रोड होते हुए जवाहर नगर स्थित चौखा पैलेस में पहुंची। रोड शो के दौरान पूरे बाजार में हरसिमरत कौर का जगह जगह स्वागत हुआ। चौखा कॉम्प्लेक्स में पुरुषों से ज्यादा संख्या महिलाओं की दिखी। इनमें ज्यादातर ऐसे परिवारों की महिलाएं थी जो आमतौर पर राजनीतिक कार्यक्रमों में कम ही देखी जा सकती हैं। यहां पर मोगा विधानसभा क्षेत्र के घोषित प्रत्याशी बरजिदर सिंह बराड़ मक्खन के साथ चरणजीत सिंह इंडे झंडेना मनजीत सिंह धम्मू रविंद्र सिंह रामूवालिया बक्सी सिंह कलसी आते गुरसेवक सिंह ढिल्लू भी मौजूद थे। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज़।